गाइस आज मैं इन्वेडर्स ऑफ द रोकोजुमा एनिमे सीरीज का एपिसोड 3 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा एमसी सातोमी वो साकुराबा सेनपाई को बोल रहा होता है कि साकुराबा सेनपाई मुझे आपकी मदद चाहिए, सिर्फ आप ही ये कर सकते। ये सुन के साकुराबा सेनपाई बोलते हैं कि सातोमी कौन मैं, तभी हमारे एमसी बोलता है प्लीज़ आप मेरी एक मदद करेंगे मेरे साथ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके। और वो वही एडवर्टाइजमेंट पेपर होता है जिसमें वो मैराथन वाला रहता है। और ये देख के साकुराबा सेनपाई बोलती है कि मैराथन, और इधर ही यार ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। फिर ओपनिंग सॉन्ग जैसे ही ख़त्म होता है हमें दिखाया जाता है कि साकुराबा सेनपाई उस एडवर्टाइजमेंट पेपर को देखती है, बोलती है कि ये मैराथन में। तभी हमारा एमसी बोलता है कि हाँ इसमें 2 लोगों को ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उन 2 लोगों को एक ही क्लब में होना भी पड़ेगा। ये सुन के साकुराबा सेनपाई बोलती है हाँ लेकिन मैं ये सब काम में अच्छी नहीं हूँ। तभी उन्होंने एमसी बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम उतना अच्छा फिजिकली फिट नहीं हो, लेकिन उसमें इस काम में कोई भी इशू नहीं होगा, ये देखो। और वहाँ पर लिखा रहता है कोई भी दोनों में से कोई भी अगर फर्स्ट आता है तो वही जीतेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों को ही फर्स्ट आना पड़ेगा। तभी उन्होंने एमसी बोलता है देखा तुम्हें मैराथन में भागना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसे मैराथन स्टार्ट होगा तुम तभी गेम क्विट कर सकती हो आराम से। आई एम सॉरी मैं तुमसे ये मदद मांग रहा हूँ लेकिन मुझे इस मैराथन में पार्टिसिपेट करना ही है और मुझे जीतना ही है। तभी हमने एमसी साकुराबा सेनपाई का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ टीम अप कर लो। तभी साकुराबा सेनपाई बोलते अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए तैयार हूँ। तभी हमने एमसी बोलते क्या सच में, थैंक यू, और हमने एमसी हाथ छोड़ देता साकुराबा सेनपाई का, बोलता कि सॉरी। तभी साकुराबा सेनपाई बोलते लेकिन अगर मैं मैराथन में पार्टिसिपेट कर ही रही हूँ तो मैं मैराथन को कम्प्लीट भी करूँगी, क्या ये ठीक है? तभी हमने एमसी बोलते हाँ क्यों नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि साना है वहाँ पर ही घोस्ट है ना, इसलिए वो उल्टा खड़ी रहती है। तो हमारे एमसी साकुराबा सेनपाई को बोल रहा होता है लेकिन अपने आप को ज़्यादा पुश मत करना। तभी साकुराबा सेनपाई बोलती है कि थैंक यू लेकिन मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी और मैं अपनी बेस्ट भी दूंगी। फिर सीन जाता है यूरिका की तरफ जहाँ पर उसकी क्लब मेंबर उसे पकड़ के एकदम लॉस प्ले जो होता है ना कपड़े वो पहना देती है। तभी यूरिका बोलती है रुक जाओ तुम ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं तो बस बोल रही थी कि मैं मैराथन में पार्टिसिपेट करूंगी। तभी उस क्लब की लीडर प्रिंसिपल वो बोलती है कि इसीलिए तो मैराथन के लिए तुम्हारी एक अच्छी तरीके से कपड़े बनाने वाले हो हम लोग। फिर सीन जाता है क्लासरूम में जहाँ पर साना है हमारे एमसी को बोलती है तो तुम उसके साथ आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। तभी हमारे एमसी बोलता है हाँ मुझे फिर से फिट होना पड़ेगा ना, लेकिन अगर फिटनेस की बात आ ही रही है कि तो तुम किसके साथ पार्टिसिपेट करने वाले हो साना है? तभी सनाए सोचती है और सीन बैक में जाता है जहाँ पर क्रिया बोलती है कि सनाए किसी के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकती है लेकिन बस वो इवेंट के पहले हो, और वो जीता तो सनाए भी जीत जाएगी। तभी प्रेजेंट टाइम में सनाए बोलती है कि अगर मैं किसी के साथ पार्टिसिपेट करूँगी तो वो तुम हो। ये सुनकर अपना एमसी बोलते हाँ लेकिन तो क्या तुम श्योर हो? तभी सनाए बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम ही जीतोगे और हम दोनों के बीच में तो वो डील भी हुआ था ना। तभी हमारा एमसी बोलता है मैं ज़रूर जीतूंगा तुम्हारे लिए सनाए। तभी सनाए बोलते हैं हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है लेकिन क्रिया और त्रिया के ऊपर नज़र रखना। तभी उन्होंने ऐसे बोलते हैं हाँ मुझे लगता है कि वो दोनों भी अपनी कोई क्लब ज्वाइन कर चुके हैं। फिर सीन जाता है क्रिया की तरफ जहाँ पर क्रिया भाग रही होती है और क्रिया एकदम फर्स्ट आती है। तभी एक लड़की बोलती है उसकी क्लब मेंबर जो क्रिया काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भागती है और काफ़ी शॉर्ट टाइम में उसने ये रेस पूरा कर दिया तो मेरे ख्याल से वो मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकती है। तभी उसके साइड में जो लड़के रहते वो बोलते हाँ तुम दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करना तुम दोनों ज़रूर जीतोगे। तभी क्रिया स्माइल करती है और क्रिया बोलती है मुझे लगता है कि मैं ट्रैक टीम को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ कर्मा कुर्मा। और तभी कर्मा कुर्मा आ जाती है और क्रिया बोलती है कि जल्दी से स्कूल में ढूंढो कि मुझसे अच्छा कोई एथलीट है भी या नहीं और कुछ फंड्स भी जुगाड़ कर लेना। फिर सीन जाते हैं ध्रुव की तरफ जहाँ पर वो स्कूल के जो सबसे बड़े गैंग लीडर से उसे मार के एकदम पैर के नीचे दबा के रखती है और बोलती है कि अब बताओ तुम्हारा बॉस कौन है। तभी वो बोलता है कि प्रिंसेस थिमेलिया। तभी ध्रुव बोलती है कि अगर आस्ते से बोलोगे ना तो हम कैसे सुन पाएंगे। तभी वो लोग बोलते हैं कि सब लोग एक साथ बोलते उसके जितने भी मेम्बर्स है वो सब भी बोलते हैं कि प्रिंसेस थेल्पिया हेल टू प्रिंसेस। और तभी रुद ध्रुव को फ़ोन करती है और त्री बोलती है क्या हुआ रोध। तभी रोध बोलती है कि स्कूल के ऊपर 2 अननोन ऑब्जेक्ट मानो घूम रहा है और वो दोनों इनविजिबल है किसी तरीके से पावर और टेक्नोलॉजी यूज़ करके। तभी त्रुव बोलती है तुम्हें पता लगा कि वो कौन है? तभी रोध बोलती है कि ब्लू नाइट की पावर से 63% ये कन्फर्म हो जाता है कि वो कर्मा और कुर्मा ही है जापानी सनीवा डॉल्स।
तभी ध्रुव स्माइल करती है और बोलती है कि ब्लू टीयर जाकर उन दोनों को ख़त्म कर दो। और ये सुनकर रुद घर पर जाती है और रुद बोलती है कि उन दोनों तो क्रिया समा का डॉल्स है ना, तो उन लोग को हमला करना मतलब क्रिया समा को हमला करना। तभी ध्रुव स्माइल करती है और बोलती है हम लोग तो बस 63% जानते हैं कि वो क्रिया का डॉल है, लेकिन 100% कन्फर्म नहीं है कि वो उसी की ही डॉल है या फिर वो कुछ और भी तो हो सकता है ना। तभी ध्रुव बोलते हैं ब्लू टीयर जाकर उसे ख़त्म कर दो। तभी ब्लू नाइट आ जाते हैं और कर्मा कुर्मा के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन तभी कर्मा देख लेते और वो शील्ड से डिफेंड कर लेता है अपने आप को। तभी कर्मा आकर बोलता है क्या तुम ठीक हो कर्मा, तभी कर्मा बोलता है हाँ थैंक्स। और तभी वो लोग फायर कर रहा होता है ब्लू टीयर और कर्मा कुर्मा डिफेंड कर रहा होता है। तभी कर्मा कुर्मा बोलता है कि अब काउंटर अटैक का समय आ गया और वो दोनों भी हमला करने लगते हैं। और वो लोग बोलते हैं अब तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि हम लोग कितने ताकतवर है। तभी सीन जाता है साकुरोबा सेनपाई की तरफ, जहाँ साकुरोबा सेनपाई एक्सरसाइज कर रही होती है लेकिन वो नहीं कर पा रही होती है, उसकी बॉडी फिटनेस एकदम वीक है। तभी उन्होंने उसे पीछे से आ जाता है, बोलता है मुझे लगता है तुम इससे भी ज़्यादा बढ़िया कर सकती हो, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा पुश करूँगा ठीक है। तभी साकुरोबा सेनपाई बोलती है ठीक है। तभी उन्होंने ऐसे बोलते चिंता मत करो तुम्हें एकदम दर्द नहीं होगा आई प्रॉमिस। और ये सब सानाएं दूर से देख रही होती है। तभी सानाएं के साइड में तुरी पाई जाती है और बोलती कि वो लड़की कौन है। तभी सानाएं बोलती है कि वो कोतारू जिस क्लब में है ना उसका प्रिंसिपल है साकुरोबा हारोमी। तभी ध्रुव बोलती है साकुरोबा हारोमी, सानाएं बोलती है एक तरीके से तो वो उसका प्रिंसेस है और उसके लिए तो वो एक नाइट है शाइनिंग आर्मर पहने हुए है। तभी ध्रुव बोलती ये क्या वो उसके गुलाम बन गया। तभी सानाएं बोलती हाँ तुम एक तरीके से ये बोल सकते हो। तभी ध्रुव और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, ध्रुव बोलती ये नहीं हो सकता वो गधा तो किसी भी तरीके से मुझसे ज़्यादा सुप्रिया नहीं दिखती। तभी क्रिया स्माइल करती है और तभी क्रिया बोलती है कि वो लॉजिक से एक्ट नहीं कर रहा। तभी ध्रुव बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तभी क्रिया बोलते लॉजिक के बारे में बात कर रहे हो तो अभी मेरे डॉल के ऊपर किसने हमला किया। तभी ध्रुव बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने कुछ अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हमला किया था। और क्रिया स्माइल कर रही होती है और ध्रुव भी स्माइल कर रही होती है एक दूसरे की तरफ देख के। फिर सीन जाता है कर्मा कुर्मा की तरफ और ब्लू नाइट की तरफ, जहाँ पर दोनों ही एकदम ख़त्म हो चुके हैं। कर्मा कुर्मा की भी हालत एकदम ख़राब है और ब्लू नाइट का भी। और कर्मा बोलता है कि हम लोगों ने कर दिया, हम लोग जीत के और हमेशा जीतेंगे। फिर नेक्स्ट डे सीन जाता है जहाँ पर मैराथन स्टार्ट हो गया होता है और क्रिया हमारे एमसी की तरफ जाकर बोलती है कि तुम कैसे हो कोतारो। तभी हमारा एमसी बोलता है इतना अच्छा पहले कभी नहीं था। तभी क्रिया बोलते हैं वाह तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो काफ़ी बढ़िया है, मैं भी यही कहना चाहती थी। तभी साइड से ध्रुव अपनी गैंग लेकर आ जाती है और बोलती है कि तुम जितना चाहो उतना भौंक सकती हो लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। तभी ऊपर सानाएं सोचती है कि हम लोग किसी को शायद भूल रहे हैं। तभी यूरिका आ जाती है, यूरिका की क्लब मेंबर यूरिका को खींच के लेके आ जाती है और बोलती है अभी स्टार्ट मत करो रे सभी आने दो इसे। और यूरिका को देख के साकुरोबा सेनपाई बोलते वो लड़की। और तभी यूरिका बोल रही होती है कि प्लीज मैं ऐसी कपड़े बहन के पहना तो मैं भाग नहीं सकती, प्लीज तुम मेरी बात सुनो। क्लब मेंबर बोलती है कि चिंता मत करो तुम एकदम पार दोगे जीतोगे। तभी हमने एमसी साकुरोबा सेनपाई के पास जाता है, बोलते साकुरोबा सेनपाई आपको कैसा लग रहा है। तभी साकुरोबा सेनपाई बोलती है कि पूछने के लिए शुक्रिया मैं एकदम ठीक, तुम देखना मैं रेस को जरूर फिनिश करूंगी। तभी हमने एमसी बोलते लेकिन मुझसे पहले नहीं। और तभी रेस स्टार्ट हो जाते और क्रिया सबसे पहले निकल जाते, लेकिन जैसे ही उसके बाद वाले जितने भी लड़के आते वो सीढ़ी में ही गिर जाते और सीढ़ी में मारना एक पहाड़ टाइप का बन जाता है। और ये देख के ध्रुव डर जाती है, बोलते कि ये क्या है। और दूसरी तरफ क्रिया बोलते कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। तभी ध्रुव बोलती है कि वो एकदम चालाक लड़की है, उसने मानो एक पहाड़ बना दिया है। तभी ध्रुव को जो गैंग लीडर होता है वो ध्रुव को अपने कंधे में उठा के पहाड़ तोड़ के निकल जाता है। और ये देख के हमारे एमसी बोलते हैं डैम ही। तभी हमने एमसी साकुरोबा सेनपाई को उठा के बोलते हैं साकुरोबा सेनपाई हम दोनों को एक साथ जाना पड़ेगा। और हमारे एमसी जंप करके जैसे जैसे उस पहाड़ को क्रॉस करके बाहर आ जाता है और बोलता है कि हम दोनों ने जितना टाइम लॉस्ट किया यहाँ पे उसको फिर से मेकअप करना पड़ेगा। तभी साकुरोबा सेनपाई बोलते कि साथों में कौन। फिर हमें दिखाया जाता है कि लैंडलॉर्ड और हमारे एमसी का बेस्ट फ्रेंड दोनों ही इस रेस में पार्टिसिपेट लिए थे और वो दोनों अभी भी पहाड़ के पीछे। और हमारा एमसी का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि डैम इट कोतारू हमारे से आगे निकल गया। तभी लैंडलॉर्ड लेडी बोलती है कि चिंता मत करो अभी तक रेस खत्म नहीं हुआ। तभी हमें रेस का एक मैप दिखाया जाता है बड़ी ही अच्छी तरीके से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि हमेशा की तरह क्रिया नंबर वन पोजिशन में है, सबसे पहले भाग रही है वो। तभी जो होस्ट रहता है वो बोलती है कि जो डिजास्टर हुआ तो हुआ, अब ख़त्म हो गया, सभी पार्टिसिपेशन मूव ऑन कर चुके और सभी भाग रहे रेस में। उप्स लगता है एक रह गया। और हमें दिखाया जाता है कि यूरिका रो रही होती है और यूरिका बोलती है कि आई विश मुझे पहले किसने देख लिया होता, मेरे कपड़े एकदम खराब हो गए।
फिर सीन जाता है हमारे एमसी की तरह, जहाँ पर वो एक टास्क पूरा कर रहा होता है जो कि एक मैथ्स का टास्क होता है। रेस में ऐसे काफ़ी सारे टास्क आएंगे, तो हमारा एमसी कर रहा होता है, तभी साइड से सना है बोलती मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है नहीं वो एक चीटिंग होगा। तभी साइड से हमें दिखाया जाता है कि साकुरा सेनपाई कंप्लीट कर लेती है एकदम मैथ्स और वो एकदम सही जवाब देती है, तो वो अब भाग सकती है। तभी हमारा एमसी बोलता है साकुरा सेनपाई तुम आगे चले जाओ। तभी साकुरा सेनपाई बोलते हैं लेकिन, तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम रेस फिनिश करना चाहते हो ना, तो अभी भाग जाओ आगे चले जाओ। तभी साकुरा सेनपाई बोलते अच्छा ठीक है। तभी हमें फिर से मैप दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिया फिर से नंबर पोजीशन में होती है, लेकिन उसके बाद ही साकुरा सेनपाई होती है। फिर सीन जाता है हमारे एमसी की तरफ, जब हमारे एमसी त्रिप को कैच कर लेता है, बोलते यो त्रिप। तभी त्रिप बोलते बेवकूफ़ तुम मुझे इतना जल्दी कैच कैसे कर लिया। तभी हमारे एमसी बोलता है जो थर्ड ऑब्स्टिकल आया था वो शायद किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल था, स्पेशली तुम्हारे लिए। तभी त्रिप बोलते है कि एटलीस्ट स्पोर्ट्स से ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं अच्छी हूँ बेवकूफ़। तभी हमारे एमसी बोलते हैं जो बोलना चाहते हो वो बोलो अपने आप को अच्छी तरीके से रात में सोने के लिए। तभी नेक्स्ट टास्क आ जाता है जहाँ पर खाना खाने होता है, और हमारे एमसी एकदम जल्दी से खाना खा लेता है। और त्रिप बोलते हैं तुम एकदम पिक की तरह खा रहे हो। तभी हमारे एमसी बोलते हैं शर्ट, और हमारे एमसी साइड में देखता है कि साकुरा सेनपाई भी वहाँ पर खाना खा रही होती है। तभी हमारे एमसी साकुरा सेनपाई के पास जाकर बोलती है कि क्या आप ठीक है, क्या सब कुछ ठीक तरीके से गया। तभी साकुरा सेनपाई बोलते हैं हाँ, लेकिन मैं खाना खाने में काफ़ी स्लो हूँ, तो तुम मुझसे आगे निकल जाओ। तभी हमारा एमसी बोलता है लेकिन, तभी साकुरा सेनपाई बोलती है कि तुम रेस जीतना चाहते हो ना, तो जल्दी से जाओ। तभी हमारा एमसी बोलता है अच्छा ठीक है फिर मिलेंगे, और हमें चला जाता है। तो भी बोलती है कि वो बेवकूफ़। और फिर से हमें मैप दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से क्रिया ही फर्स्ट पोजिशन में होती है, और फिर सवाल जवाब का हो रहा होता है, हमारे एमसी एकदम गलत जवाब दे रहा होता है टास्क में। तब भी साइड से हमारे एमसी का बेस्ट फ्रेंड चला जाता है, बोलता है फिर मिलेंगे रेस जहाँ पर फिनिश होता है वहाँ पे। तभी साइड से लैंडलॉर्ड भी चली जाती है, बोलती है गुड लक। और हमारा एमसी बोलता है तुम, और हमारा एमसी बोलता है डैम इट। फिर सीन जाता है साकुरा सेनपाई की तरफ, जहाँ पर साकुरा सेनपाई भाग रही होती है और मन में सोच रही होती है कि मुझे पता था ऐसे ही कुछ होगा, आधी रास्ता तो आ ही गई हो, तो मैं ये ज़रूर कम्प्लीट करूँगी। और तभी साकुरा सेनपाई पीछे देखती है कि यूरिका होती है, और यूरिका गिर जाती है। यूरिका बोलती है कि मैं अब ऑन नहीं कर सकती, मैंने अपनी बेस्ट तो दिया था, मुझे अब गिवअप कर देना चाहिए। तभी सामने से साकुरा सेनपाई आ जाती है, बोलती है क्या तुम ठीक हो। तभी यूरिका बोलती है तुम तो वही अच्छी लड़की हो जो मुझे हॉल में मिली थी। तभी साकुरा सेनपाई बोलती है हार मत मानो, हम लोग आधे रास्ते तो आ ही गए। तभी यूरिका बोलते हैं लेकिन अब मैं जीत नहीं सकती ये वाला रेस, और कोई मुझे देखना भी नहीं चाहता, और कोई मुझे हेल्प भी नहीं करेगा। तभी साकुरा सेनपाई बोलते कि लेकिन अगर तुम अभी रेस छोड़ दोगे तो तुम अपने आप को डिसअपॉइंट करोगे। तभी यूरिका बोलती है कि लेकिन इसमें कुछ नया बात नहीं है। तभी साकुरा सेनपाई बोलती है तुम्हारे लिए नया बात नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए। और तभी साकुरा सेनपाई बोलना कंटिन्यू करती है, बोलती है कि हार मत माना, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। और ये सुन के यूरिका थोड़ी मोटिवेट होती है, और यूरिका साकुरा सेनपाई की हाथ पकड़ के फिर से खड़ी हो जाती है। और तभी साकुरा सेनपाई बोलते मैंने अभी तक मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया ना, मेरा नाम है साकुरा हरोमी तुम्हारा। तभी यूरिका बोलती है कि यूरिका निजने यूरिका। तभी साकुरा सेनपाई बोलते लास्ट प्लेस या फिर उससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फिनिश लाइन को क्रॉस करना है हम दोनों को, निजिनो सैन। और ये सुन के यूरिका बोलते ओके साकुरा सेनपाई। और इधर ही यार एपिसोड 3 का पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है, तो पार्ट 2 नेक्स्ट वीक को ही आ जाएगा यार, पर वीक को मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक पार्ट आ जाए। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय सी या।